Assalamualaikum viewers, welcome to my smart fitness. मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर वीएस वेट ट्रेनिंग वीएस योगा. आज हमने डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की एक्सरसाइज हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है. तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज की. कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो लोग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका टारगेट होता है लीन फिजिक, यानी स्लिम फिजिक उनको चाहिए होती है. और वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ज़्यादातर वॉक करने से, या फिर ट्रेडमिल के ऊपर लाइट जॉगिंग कर लेते हैं, या कुछ एक्सरसाइजेस एरोबिक्स की वो की जाती है. दूसरा जो सेगमेंट है वो है योगा. योगा करने वालों का मेन ऑब्जेक्टिव भी लीन फिजिक होता है. और पार्क्स के अंदर अगर आप किसी क्लास को देखें जो योगा कर रही होती है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि मैट्स के ऊपर लेटे हुए होते हैं और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं. तो जो लोग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस ही कर रहे होते हैं, यानी वॉक कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि बस जी वॉक हमारे लिए बेहतर है. और पार्क के अंदर आप जाकर देखें तो वो वॉक कर रहे होते हैं, दो चार चक्कर पार्क के लगाते हैं, एंड दे थिंक दिस इज इनफ फॉर देम. और इसके साथ साथ जो लोग योगा कर रहे होते हैं पार्क में मैट्स के ऊपर लेटे हुए स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, दे ऑल्सो हैव डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स बट ओनली योगा. और तीसरी बारी आ रही है वेट ट्रेनिंग की. जो टीनेजर्स, जैसा मैंने दूसरी वीडियो में भी शेयर किया आपके साथ, कि स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में आते हैं और उनको आज़ादी मिलती है, तो वो डिसाइड करते हैं ग्रुप बना कर के जी हमें जिम जाना चाहिए और किसी शोबिज स्टार की तरह और किसी प्रोफेशनल की तरह जिनसे वो इंस्पायर होते हैं मसल्स गेन करने चाहिए, तो वो लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं. तो जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो योगा और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करते. जो लोग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो वेट ट्रेनिंग और योगा नहीं करते. और जो लोग योगा कर रहे होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस और वेट ट्रेनिंग नहीं करते. तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेहतर है. क्या ये अप्रोच ठीक है कि आइदर वी शुड गो फॉर ओनली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और ओनली वेट ट्रेनिंग और ओनली फॉर योगा. तो हम बात करते हैं हमेशा स्मार्ट फिटनेस की, तो वो कैसे अचीव होगी? तो स्मार्ट फिटनेस को, एक डिसेंट फिजिक को अचीव करने के लिए आपको इन तीनों सेगमेंट्स के ऊपर तवज्जो देनी है. कितने परसेंटेज के साथ तवज्जो देनी है इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बारी आ रही है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की, जिसे आप हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग कहते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि लोग सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग की तरफ कम आते हैं, स्प्रिंटिंग की तरफ उससे भी कम आते हैं. तो अगर आप कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर आपको कार्डियोवैस्कुलर के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो यू शुड गो विद वॉक. वॉक से आप शुरू करें, आप वार्म अप हो जाएं तो आप जॉगिंग करना शुरू करें. और जॉगिंग के बाद जब लास्ट आपके 10 या 20 या 30 मीटर या 100 मीटर के करीब रह जाएँ, तो आप स्प्रिंट करें, फुल स्पीड से भागें. जब आपका स्टेमिना बिल्कुल ड्रेन हो जाए, आप थक जाएं, तो फिर दोबारा से वॉक के ऊपर आ जाएं, फिर जॉगिंग करें, फिर स्प्रिंटिंग करें. और इसका रेशियो अपनी एक्सरसाइज में रखें 25-30%, यानी दो दिन इससे बस एक या दो दिन या मैक्सिमम तीन दिन आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें. अब बारी आ रही है वेट ट्रेनिंग की. वेट ट्रेनिंग से आजकल के जो फैशनेबल लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो बहुत एलर्जिक है. वो ये चाहते हैं बस हमें एक लीन फिजिक मिल जाए, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद वेट ट्रेनिंग से बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे, जो कि इतना आसान नहीं है कि ओवरनाइट आप वेट्स उठाना शुरू करें और आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएं. इट टेक्स टाइम. और वेट ट्रेनिंग के साथ आपको एक जो अचीवमेंट होता है उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी आपके मसल्स के जो थ्रेड्स हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, उनका जो फाइबर है वो थिक हो जाता है और आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है. तो आपको पहले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी हो जाए. फिर आपको मस्ट आना चाहिए वेट ट्रेनिंग की तरफ, जिसका रेशियो आपके फिटनेस में कार्डियोवैस्कुलर से ज़्यादा है, यानी इट हैज़ अ पोर्शन ऑफ 50-60%. यानी आपको 3-4 दिन और मैक्सिमम 5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. आप एक अच्छी फिजिक हासिल करें,
आप एक गुड हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिटनेस की तरफ जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू गेट एंड्योरेंस, यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रेंथ, द मस्कुलर एंड्योरेंस, द मस्कुलर स्ट्रेंथ. और आप बेफिक्र हो जाएं कि आपके बड़े बड़े मसल्स 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बनने लगे. इवन अगर फीमेल्स भी एक्सरसाइज कर रही हैं और वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, तो बेफिक्र हो जाएं कि आपने 4-4 kg के या 10-10 kg के डंबल्स के साथ वर्कआउट किया है, तो आप मेल्स की तरह, मर्द हजरात की तरह कोई मसल अचीव कर लेंगी. दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. सो गाइस, वेट ट्रेनिंग का पोर्शन ज़्यादा है, इसके ऊपर बात भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी. आपको 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. अगर आप नेचुरल डाइट पे रहेंगे तो आपको एक नेचुरल लुक मिलेगी, एक डिसेंट स्मार्ट लुक मिलेगी. बट डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज ऑफ मसल्स. इफ़ यू हैव अ कॉन्सेप्ट दैट द गाइज हु आर डूइंग वेट ट्रेनिंग आर गोइंग टू गेट बिगर मसल्स लाइक प्रोफेशनल्स विच यू वॉच इन द मूवीज और ऑन द स्टेज, be sure that those muscles are not natural. Those muscles are based on food supplements and steroids. If you are going to get natural diet, natural physique, if you are going to get natural diet, make sure yourself that you are going to get a natural smart look. अब आगे जाकर हम बात करने लगे हैं about yoga. Yoga is basically based on stretching and breathing. आप इसमें अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो इसका पोर्शन कितना होना चाहिए आपकी फिजिक में, आपकी स्मार्ट लुक के लिए, आपकी स्मार्ट फिटनेस में? 10-15%. द मेजर पोर्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, एंड्योरेंस ऑफ मसल्स मिलेगी. यू वुड बी एबल टू हैव बेटर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, बेटर योगा ट्रेनिंग. तो आज के लिए डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं इस तरह से कि इन तीनों सेगमेंट्स को आपने इनके रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से फॉलो करना है, तो आप जाकर एक स्मार्ट फिजिक, एक स्मार्ट फिटनेस को अचीव कर सकते हैं. आपको किसी भी सेगमेंट के ऊपर ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है. सो गाइस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. अगर आप वेट ट्रेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर जाके करेंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. अगर आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इसी तरह अगर आप योगा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. आई हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी. द गाइस हु फॉलोड कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरली, उनके नीज़ के जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज हो गए. कुछ लोगों को नीज़ की रिप्लेसमेंट में जाना पड़ा और कुछ लोगों को नीज़ के ऑपरेशन में जाना पड़ा ताकि उनकी नीज़ की रिपेयरिंग हो सके. For example, I know a person who started to play squash. He came to my gym for a few days, then he decided to have a lean physique, and I don't know, somebody advised him to go and play squash every day without any gap. Aur squash ek high speed, high impact exercise hai jiska result lean physique ke short mein unka result, uske side effects ye hue ki he damaged his knees at the age of 30-35 aur unko operation mein jana pada. Dusri taraf जो डेस्परेटली वेट ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर की तरफ नहीं आते. उनको ये बताया गया है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियोवैस्कुलर यानी कुछ जॉगिंग या रनिंग पे चले जाएंगे तो आपके मसल्स गिर जाएंगे. डू यू बिलीव ऑन दैट कॉन्सेप्ट कि उनके मसल्स गिर जाएंगे? तो वो लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं और उनका स्टेमिना बहुत पुअर कंडीशन पर आ जाता है. तो वी हैव टू फॉलो वेट ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एंड योगा according to their ratio and proportion, then you are going to get a very smart physique, a very smart fitness. So guys, my advice for you is to follow weight training, cardiovascular training and yoga according to their ratio and proportion. Ye thi aaj ki hamari video about cardiovascular, about yoga, about weight training. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. मेरे YouTube चैनल माई स्मार्ट फिटनेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अस्सलाम वालेकुम.